विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पर हमेशा बड़े बड़े संगीन आरोप लगते रहे थे। तो विधायक अंबा प्रसाद जी के खिलाफ चार मामलों में जांच जो शुरू हुई है, हमें कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रडार पर है। ईडी द्वारा उन पर दर्ज सभी केस के बारे में पुलिस से जानकारी मांगी गई थी। ईडी ने पुलिस अधिकारियों को पत्राचार किया था। दरअसल अंबा प्रसाद के खिलाफ ईडी के रांची जोनल ऑफिस में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधिकारियों ने ईडी के पास अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज सभी केस का ब्यौरा भेज दिया है। पुलिस ने सभी केस को जिक्र करते हुए ईडी को बताया कि एक मामला 30 जुलाई 2018 में केरेडारी थाना में दर्ज हुआ था। इस केस में पुलिस ने अंबा प्रसाद की भूमिका पर जांच पूरा करके उनके खिलाफ 27 मार्च 2019 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। वहीं 3 मई 2021 में धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर आरोप में बड़कागांव थाना में अंबा प्रसाद एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसकी जांच चल ही रही है। तीसरा केस कटकमदाग थाना में 19 जून 2021 को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने सहित अन्य आरोप में दर्ज हुआ था, इसका भी पुलिस अभी जांच कर रही है। अंबा प्रसाद के खिलाफ चौथा केस कटकमदाग थाना में 12 दिसंबर 2021 को दर्ज हुआ था। इसमें 40-50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। ईडी विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ दर्ज कांड की समीक्षा के बाद ही यह तय करेगी कि किसी केस को ईडी टेक ओवर करेगी या नहीं। जानकारी के अनुसार फिलहाल ईडी ने इनमें से किसी केस में ईसीआईआर दर्ज नहीं किया है। वहीं इस पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पर बड़े बड़े आरोप लगते आ रहे हैं, और सुनिए क्या कहें प्रवक्ता ने। विधायक अंबा प्रसाद जी और उनके पिता पर हमेशा बड़े बड़े संगीन आरोप लगते रहे थे। तो जाहिर तौर पर हमारे इस एनडीए के कार्यकाल में एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, इन्हें जैसे जैसे सबूत मिलता है ये आगे की कार्रवाई करते हैं। इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, ये निष्पक्ष रूप से काम करती है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो विधायक अंबा प्रसाद जी के खिलाफ चार मामलों में जांच जो शुरू हुई है, हमें लगता है इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ईडी ने 1,000 करोड़ का साहिबगंज में माइनिंग स्कैम को खोज निकाला था, और इसके अतिरिक्त एक मोटे अनुमान के अनुसार पूरे राज्य में 10,000 करोड़ का माइनिंग स्कैम हुआ है और सिर्फ रांची में 10,000 करोड़ का लैंड स्कैम हुआ है। तो इस कड़ी में लगता है एक और अभी फिलहाल नया नाम जुड़ने वाला है, और ईडी की कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। अगर आपने गलत नहीं किया तो कोई एजेंसी आपको फंसा नहीं सकती, लेकिन अगर आपने गलत किया तो कानून के लंबे हाथ आपको छोड़ेंगे नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।